सो वट आर द डिसज वी आर गोइंग टू टैट मी डिस्कस विद यू वन बाई वन तो सबसे पहला डिसीजन क्रेडिट मैनेजमेंट के हवाले से जो कि रिटेलर लेता है वो ये है कि वट फॉर्म ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेबल जब भी आप किसी रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर मॉड ऑफ पेमेंट क्या एक्सेप्टेबल है इज इट ओनली कैश अवेलेबल क्या सिर्फ कैश के जरिए पेमेंट अवेलेब की फैसिलिटी मौजूद है या यू कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड यू कैन पे थ्रू डेबिट कार्ड और इसके अलावा भी आप क्या मोबाइल वॉलेट के थ्रू यू कैन पे क्या आप इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं क्या आप जैस कैश के थ्रू पे कर सकते हैं सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल या आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है लेट्स ए क्रेडिट लिमिट असाइन की गई है यू विल गो एंड गेट दैट क्रेडिट लिमिट फॉर एक्स थाउजेंड रुपीज़ और एक्स मिलियन रुपीज़ तो आपका वट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेबल रिटेलर ये डिफाइन करेगा और अपने पास उसको डॉक्यूमेंट करके अपनी टीम को शेयर करेगा फिर देन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हु विल एडमिनिस्टर द क्रेडिट प्लान अगर आप किसी कस्टमर को क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं उधार की फैसिलिटी देते हैं तो उसको कौन ऑब्जर्व करेगा कौन एडमिनिस्टर करेगा फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर को कहा कि सर आई विल गिव यू वन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज क्रेडिट लिमिट एंड दैट क्रेडिट लिमिट इज़ फॉर थर्टी डेज सो आप एक तीस दिन के अंदर मुझसे एक लाख रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं और आफ्टर थर्टी डेज यू हैव टू पे देट टू बी तो क्या कस्टमर मल्टीपल टाइम्स आए फॉर एग्जाम्पल उसने फर्स्ट को कुछ परचेजिंग की टेंथ को कुछ परचेसिंग की ट्वेंटी एथ को कुछ परचेसिंग की ट्वेंटी एट्थ को कुछ परचेसिंग की सो डिफरेंट टाइम्स स्लॉट्स के ऊपर उसने विद इन अ मंथ कितनी क्रेडिट लाइन को कंज्यूम कर लिया है कितने क्रेडिट डेज अभी उसके पास हैं कब वो पेमेंट आएगी कब पेमेंट आने के बाद कब वो नॉक ऑफ होगी तो ये सारी बातें आपको इंश्योर करनी है कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल बंदा हो उस क्रेडिट प्लान को मॉनिटर करने का एडमिनिस्टर करने का फिर नेक्स्ट जो डिसीजन है क्रेडिट मैनेजमेंट डिसीजन वो है व्हाट आर कस्टमर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ चेक और अ क्रेडिट परचेज अगर आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है वो क्राइटेरिया क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कस्टमर से कोई बैंक गारंटी ली है फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर से आपने कोई पोस्ट चेक ले लिया है सो so, क्या वो क्राइटेरिया है आपने क्या प्रॉपर उसका कोई क्रेडिट uh, फॉर्म कोई लीगल एग्रीमेंट कोई बॉन्ड कस्टमर के साथ साइन किया है सो so, वो तमाम बातें वो तमाम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेट करते हैं ताकि uh, वो कस्टमर वो फैसिलिटी जिस कस्टमर को भी दी जाए द सेम क्राइटेरिया हैज़ टू बी फॉलोड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली ताकि कोई भी गैप ना आए ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क के कंट्रोल के हवाले से फिर देन हमारे पास जो क्रेडिट मैनेजमेंट का डिसीजन है वो ये है वट क्रेडिट टर्म्स विल बी यूज क्या वो इदारा क्या वो रिटेलर फिफ्टीन डेज क्रेडिट की फैसिलिटी ऑफ़र कर रहा है क्या वो थर्टी डेज़ की फैसिलिटी ऑफ़र कर रहा है नाइन्टी डेज़ की फैसिलिटी ऑफ़र कर रहा है और कितनी वैल्यू की ऑफ़र कर रहा है फॉर एक्जाम्पल थर्टी डेज़ के ऊपर वन मिलियन की फैसिलिटी मे बी किसी कस्टमर को सिक्सटी डेज के ऊपर टू मिलियन की फैसिलिटी सो so, कितनी क्रेडिट टर्म्स क्या है किस कौन कौन सी होंगी और किस तरीके से वो क्रेडिट टर्म्स डिफाइन होंगी ये सारी बातें हम क्रेडिट मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं और उसको प्रॉपरली प्लान आउट करते हैं फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्रेडिट मैनेजमेंट डिसीजन है वो ये है कि हाउ द लेट पेमेंट्स एंड नॉन पेमेंट्स विल बी हैंडल्ड अगर कोई कस्टमर ऐसा है कि जिसको आपने थर्टी डेज की क्रेडिट लिमिट दी है और अब वो थर्टी डेज से ज़्यादा हो गए एंड ही इज़ नॉट मेकिंग पेमेंट टू यू लेट पेमेंट्स हैं या डिले इन पेमेंट्स है सो so उसको हैंडल करने का तरीक़ेकार क्या होगा वट वुड बी द स्टेप्स विच विल टेक आप उसको कोई लीगल नोटिस भेजेंगे आप उसको कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट करेंगे आप उसके खिलाफ एफ आई आर करवा देंगे उस कस्टमर को जेल में भिजवा देंगे क्या करेंगे आप सो एक्सट्रीम स्टेप से लेकर बिल्कुल बेसिक स्टेप विच इज द बेसिक नोटिस टू द कस्टमर वो सारी बातों को आप डॉक्यूमेंट करेंगे दूसरी बात इफ देर विल बी नॉन पेमेंट कोई कस्टमर पेमेंट को करने से रिफ्यूज कर देता है वो डाउटफुल हो जाता है वो बैड डेट्स की तरफ जा रहा होता है तो हाउ द बैड डेट्स विल बी विल बी डेल्ट तो आपको ये भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है उसकी हैंडलिंग उसका प्रोसेस एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड तो रिटेलर के लिए क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट कैश इट इज़ इट इज़ ऑल अबाउट मनी सारा कुछ ये पैसे के लिए हो रहा है तो रिटेलर को इंश्योर करना है कि अगर उसका कोई रिस्क एक्सपोयर किसी वजह से है बिकॉज इट इज़ ए बिजनेस नीड तो कैसे उसने उसको सिक्योर करना है ताकि उसका बिजनेस ओवरऑल सिक्योर हो सके